नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। ग्वालियर आरक्षण हमारा अधिकार, गरीबों का हक, न्याय के लिए संघर्ष करता रहूंगा, डॉक्टर चीना रामू। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी जिला बैंड कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर चीना रामू, विशेष अतिथि राहुल जाटा, विभिन्न आयोजनकर्ता गोविंद ठेकेदार, मनोज प्रेम सिंह, सरदार मोहन सिंह, सरदार सिंह लोहिया, पवन सर, नरेंद्र भैया, ज्ञान सिंह पवैया, डॉक्टर संतोष एवं ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्ना डॉक्टर चीना रामू जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक गरीबों के दरवाजे तक आरक्षण नहीं पहुँच जाएगा, उनके दो वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, जब तक मेरा आंदोलन खत्म नहीं होगा। मेरा आंदोलन जन दिन प्रतिदिन और जोर पकड़ता जाएगा। लोगों से अपील है कि इस आंदोलन में आप मेरे हाथ मजबूत करें, मेरे संगठन को मजबूती प्रदान करें। मैं आपके और दबे कुचले समाज की लड़ाई जो लड़ रहा हूँ, उसमें आपकी मुझे बहुत आवश्यकता है। सद्बोधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का था। मार्केटिंग हेड दीपक भर्ती की रिपोर्ट। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के मेरे भाइयों और बहनों, मैं जियाद नहीं बात करूंगा, मुझे हिंदी सीधा नहीं आता है, मगर थोड़ा एडजस्ट करके बात करूंगा। आज इश्यू है हमारा ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी का इश्यू एक ही है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना जहर पी के हम अमृत लाए थे। ये अमृत मैं देख रहा हूँ मेरा भाई और बहनों को, कितना मेहनत से, कितना गरीबी से बैठे हैं। आज का दिन में बाबा साहब अम्बेडकर अमृत पी के, जहर पी के हम अमृत लाए थे। ये अमृत कहाँ जा रहा है, कौन पी रहा है, कौन से गांव को गया है? आजादी मिल को 75 साल हो गया, अभी तक गरीबी गरीबी है। अबे दूसरे लोग को मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, सुरक्षित जाति के लोग अपना धोखा करे ये बात नहीं बोलूंगा। अपना धोखा करने वाला बैठा है, कोई एमएलए बना है, कोई एमपी बना है, कोई मिनिस्टर बना है। ये देश में कभी गरीबों का हालत सुधारने नहीं कर रहे, वो उनका बच्चे को, उनका फैमिली का सुधार न कर रहे हैं। गरीबों में देख रहा हूँ, सारे देश में देख रहा हूँ, ये देश में गरीबों का आवाज लेने वाला कोई भी नहीं सका हो गया। इसके बारे में मैं पूछेंगे, देश का आजादी में हमारा हिस्सा क्या है, हमने क्या मिलना है, क्या मिले, क्या कौन कर रहा है ये इशा? ये ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी गरीबों का, बस्ती को जाके गरीबी का आवाज क्रिएट करने के लिए इतना मेहनत से हमें निकला है ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी आज मध्य प्रदेश भिंड जिला में आज आया है। देख रहा हूँ मैं, मेरा दिल भी बहुत धड़कन हो रहा है। गरीबों का हालत सुधारने के लिए क्या करना है, बाबा साहब अम्बेडकर का मेहनत बहुत है। बहुत लोग बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, वोट डालने का अधिकार दिलाए, ये दिलाए, संविधान लिखे, पूरा बोलते हैं। वो संविधान का हक दिलाए क्या? कौन अभी आजादी से मिलने के बाद में कोई विधायक बनाता, एमएलए बनाता, वही लोग अभी तक गरीबों का हालत सुधारने के काम नहीं करा। इसके लिए ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी आज देश भर, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आज हर स्टेट में हमारा राज्य की पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, इससे कोई पर्सनल इश्यू नहीं है, ये इश्यू है बाबा साहब अम्बेडकर का सपना। वो सपना पूर्ण होना है, वो गरीबों का हालत सुधारना है। कोई रिजर्वेशन का, आरक्षण का फायदा लिया है,